गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक पर, किसी भी एम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल और उसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि सभी बलों का संतुलन करना। बलों के संतुलन करने के बाद में उसकी गति किस प्रकार से है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ले रहे हैं कि कोई भी एक एम द्रव्यमान का ब्लॉक है और वह किसी भी एक सतह के ऊपर रखा हुआ है। सतह पर रखे होने के बाद में उस पर लगने वाले बल, जब सतह घर्षण सहित हो, उस पर घर्षण लग रहा हो, और उस पर लगने वाले बल जब सतह है वो घर्षण रहित हो, उस पर कोई भी घर्षण ना लग रहा हो, तो ये अपन आज जानकारी लेंगे। तो देखिए, एम द्रव्यमान का कोई भी अगर पिंड है, द्रव्यमान है, वह किसी भी सतह पर रखा होता है, तो उस पर सबसे पहला जो लगने वाला बल है वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल, या उसको अपन भार भी बोल सकते हैं, या उसको हम द्रव्यमान के कारण से लगने वाला बल भी बोल सकते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता है, उसकी दिशा हमेशा नीचे की तरफ पृथ्वी की ओर होती है, इसीलिए जो लगने वाला बल है, भार है, वह डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, और उस बल का मान हो जाएगा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण mg, जिसे अपन भार या गुरुत्वीय बल के नाम से भी जानेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए तो ऊपर की ओर एक बल लगेगा, जिसे बोलते हैं अपन प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल होगा, वह हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जैसे नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। ये इसको बैलेंस करने की कंडीशन में है। जब यह पिंड इस पर स्थिर अवस्था में है, कोई गति की अवस्था में नहीं है, तब हमेशा होगा n बराबर mg या फिर n बराबर w, अर्थात जो प्रतिक्रिया बल है वह उसके भार के बराबर होगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए डिस्कस होगा। देखिए, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है। यह है कोई भी पिंड है, इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है और ये अपवर्ड फोर्स है, वह रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स के नाम से इसको जानते हैं। क्योंकि जब यह पिंड गति कराने के लिए इस पर बल लगाते हैं, इस ब्लॉक पर, तो गति करना पिंड शुरू नहीं करता है, लेकिन गति कराने वाले के गति करने के लिए इस पर बल आरोपित किया जाता है। तब जिस सतह पर यह ब्लॉक रखा गया है, उस सतह के साथ में इसका इंटरेक्शन, इसकी अंतःक्रिया इस प्रकार से है कि उस पर एक प्रकार का घर्षण बल लगता है। जो घर्षण बल होता है वह बल हमेशा आरोपित किए गए बल या गति की दिशा दोनों के विपरीत दिशा में होता है। अर्थात अगर पिंड है, ब्लॉक है, यह बल की दिशा है वो अक्ष दिशा में है, तो फ्रिक्शन है या घर्षण बल है वह उसके विपरीत दिशा में लगेगा। तथा जो एक घर्षण बल है या घर्षण है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या स्थैतिक घर्षण बल, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या गतिक घर्षण बल। चूंकि यह हमेशा सतह के समानांतर लगता है, जैसे ये सतह है जिस सतह पर ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस सतह के समानांतर पैरेलल डायरेक्शन में और गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फोर्स ऑन ए बॉडी एंड बेस या बिटवीन बेस, फोर्स ऑन ए बॉडी एंड बिटवीन बेस की सतह है, बेस इसको अपन यहाँ पर सरफेस बोल रहे हैं, सतह। फोर्स ऑन ए बॉडी एंड बेस व्हेन बॉडी अटेम्प्ट्स टू स्लाइड अलोंग सरफेस की घर्षण बल है, वह किसी भी ब्लॉक और किसी सतह के बीच में लगने वाला बल है, जब ब्लॉक है गति अवस्था में होने को तैयार होता है। घर्षण बल है वह FR इज पैरेलल टू सरफेस एंड ऑपोजिट टू मोशन। घर्षण बल अभी अपन ने डिस्कस किया कि सरफेस के समानांतर होता है और गति की दिशा के विपरीत होता है। अब जब घर्षण बल लग रहा है, उसी वक्त इसके साथ में एक बल और भी होता है, जिसको बोलते हैं तनाव, टेंशन। नॉर्मली अपन इसके लिए लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर जो तनाव है वह एक प्रकार का फोर्स ही है, जो किसी भी रस्सी या कोई भी द्रव्यमान रहित तार या कोड के सहारे किसी निकाय पर बल लगाया जाता है, उसको खींचा जाता है, खींचा जाता है। तो उसको नॉर्मली अपन जब खींचते हैं, पुल करते हैं, तब यह बल लगता है। सपोज कीजिए कि एम द्रव्यमान का यह है एक पिंड किसी सतह पर रखा हुआ है और उसको किसी भी एक रस्सी के सहारे खींचा जाता है, फोर्स इस प्रकार से, तो इस पर तनाव लगता है। यह तनाव है, यह हमेशा
जिस तरफ खिंचाव होता है उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो देखिए मैं इसको खिंचाव कर रहा हूँ, फोर्स इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इस पॉइंट पर जो तनाव होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन है उस इसकी डायरेक्शन खिंचाव कर रहा हूँ तो इसके विपरीत दिशा में लगेगा इस बिंदु के जहाँ पर कनेक्टेड है। यू सीधा सीधा ये मानिए कि अगर कोई भी रस्सी है जिन किनारों पर आपस में जॉइंट किया गया है उसके विपरीत दिशा में, अगर कोई रस्सी है इसको जॉइंट किया गया है तो इसके विपरीत दिशा में इस पर तनाव लगेगा। ठीक है, अभी वापस अपन बात करते हैं फ्रिक्शन की ही, कि कोई भी एक पिन ब्लॉक है अगर किसी सतह पर रखा हुआ है और उस पर अगर बल लगाया जाता है तो जो भार है वह डाउनवर्ड होगा, रिएक्शन फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ होगा, और इस पर बल आरोपित किया जाता है गति करवाने के लिए F बराबर एम ए, अर्थात त्वरण की डायरेक्शन है, अर्थात यह त्वरण की डायरेक्शन है, तब इस पर जो घर्षण बल होगा वह विपरीत दिशा में होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस प्रकार से बनाया जाता है, देखिए एम जे डाउनवर्ड, एफ फॉरवर्ड, एफ आर बैकवर्ड और एन अपवर्ड। अब यह दो प्रकार का घर्षण होता है, एक तो होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक घर्षण वो होता है जो बल के समानांतर दिशा में विपरीत लगता है, जो बल है बल इस देखिए ये बल लगाया गया इसके समानांतर, इसका मतलब इसके जस्ट पैरेलल, ऊपर नीचे नहीं, तो इसका पैरेलल बल की डायरेक्शन ऐसे लेकिन विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हो गया। और यह बल तब लगता है घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, जब निकाय है वह गति अवस्था में नहीं है, निकाय है वह गति अवस्था में नहीं है तब यह बल लगता है। काइनेटिक घर्षण तब लगता है कि जब निकाय है वह स्थैतिक अवस्था को या स्थिर अवस्था को छोड़ के गति अवस्था में आने को होता है और फिर गति करता है। तो इसका डायग्राम देखिए कि ये समय है एक तरफ और यहाँ पर घर्षण बल है, तो किसी भी निकाय पर बल लगाएंगे, सपोज ये निकाय पिंड है और इस पर बल लगाया जाता है तो धीरे धीरे इस पर बल लगाना चालू किया जाएगा। तो बल लगाना चालू किया जाए एक नियत बल, कौन सा नियत बल, जो कि उसके स्थैतिक घर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल है वह विपरीत दिशा में, स्थैतिक घर्षण बल है ये एफ आर और इधर मैं बल लगा रहा हूँ एफ, तो अगर एफ का मान एफ आर से कम होगा तो यह पिंड गति अवस्था में नहीं आएगा। आप यूँ मानिए किसी भी पिंड है उस पिंड को आप खींचना चालू करते हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना चालू करते हैं तो आप उसके द्रव्यमान और उसके कारण से लगने वाले घर्षण बल, जो घर्षण बल है उससे ज़्यादा बल लगाएंगे तभी वह अपनी जगह से हिल पाएगा, अदरवाइज वह अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा। तो एफ है जो आरोपित बल है वह एफ आर से ज़्यादा होगा तभी यह गति अवस्था में होगा। तो अपन क्या करते हैं कि धीरे धीरे इस पर बल लगाते हैं, तो देखिए टाइम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बल लगाएंगे तो इसके साथ साथ में जो जो टाइम बढ़ता जाएगा उस पर बल बढ़ाते जाएंगे तो स्थैतिक घर्षण है वह बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा तो जैसे ही टाइम बढ़ता है बल बढ़ाते जाते हैं अपन, बल बढ़ाते जाएंगे तो इस निकाय पर जैसे इस पिंड पर बल बढ़ाएंगे तो इस पर स्थैतिक अवस्था में स्थिर अवस्था में इस पर घर्षण बल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो जो घर्षण बल बढ़ता जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर आरोपित बल है वह इस स्थैतिक घर्षण से ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात उस टाइम में स्थैतिक घर्षण बल है वह अपने चरम बिंदु पर होगा, अपने उच्चतम बिंदु पर होगा, और उस उच्चतम बिंदु के बाद अगर थोड़ा और बल बढ़ाएंगे तब वह पिंड है गति करना चालू कर देगा, तब वह पिंड गति जैसे ही पिंड गति करना चालू करता है उस टाइम में स्थैतिक घर्षण है अचानक कम होना चालू हो जाता है और अब वह स्थैतिक घर्षण है वह बन जाएगा गतिक घर्षण। गतिक घर्षण है वो हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम रहता है और फिर गतिक घर्षण है वह सतह के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है और पिंड की गति होती रहती है। तो देखिए उस ग्राफ के अनुसार जो गतिक घर्षण है एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन वो हमेशा स्टैटिक घर्षण स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान से कम होता है, क्योंकि जो घर्षण है अपने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ये फ्री बॉडी डायग्राम है तो ऊपर की तरफ एन और डाउनवर्ड है एम जी और ये एफ और ये हो गया एफ एस, तो एफ एस है वो समानुपाती होता है नॉर्मल बल के, इसके जो नॉर्मल बल है जो विपरीत दिशा के अंदर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण के
उसके समानुपाती होता है। तो जितना ज़्यादा भार होगा उतना ही ज़्यादा नॉर्मल बल होगा, जितना ज़्यादा नॉर्मल बल होगा उसके रिस्पेक्ट में स्थैतिक घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको अपन Fs बराबर म्यू एस एन लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर आरोपित बल, जो आरोपित बल है सतह के समानांतर अपन लगा रहे हैं, समानांतर बल लगा रहे हैं, वह समानांतर बल स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से ज़्यादा होगा जो अपन ने डिस्कस किया है, तभी वह जो ब्लॉक है या पिंड है वो गति अवस्था में आएगा। अदरवाइज वह पिंड ब्लॉक जो भी है वह गति अवस्था में नहीं आएगा और उसी वक्त वह स्लाइड करना चालू करेगा। लेकिन जब वह स्लाइड करना या गति करना चालू करता है तब जो घर्षण है वह बन जाएगा गतिक घर्षण, और गतिक घर्षण होता है नॉर्मली वह भी नॉर्मल फोर्स के समानुपाती होता है, और तब इसको अपन म्यू के एन बोल सकते हैं। जहाँ पर म्यू एस है वह स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट या स्थैतिक घर्षण नियतांक, और म्यू के है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट या गतिक घर्षण नियतांक कहा जाता है। जब बॉडी स्लाइड करना चालू कर देती है, कोई भी ब्लॉक है वह जब वह गति करता है, मोशन करता है किसी भी सतह पर, स्लाइडिंग करता है, घिसता है, तब गतिक घर्षण का मान है वह घटना चालू होता है और वह वेग के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ओके, तो इसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आज अपन जो सवाल, जो लेक्चर है वो अपन नॉर्मली ट्यूटोरियल या न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल कर रहे हैं चैप्टर से। तो देखिए, यह एक पुली है, एक घिरनी है, उस घिरनी को किसी भी एक सपोर्ट की सहायता से बांधा गया है और इस घिरनी पर एक रस्सी लटकाई गई है। इस रस्सी का द्रव्यमान अपन ने माना है, और घिरनी और रस्सी दोनों का द्रव्यमान नॉर्मली अपन ने माना है यहाँ पर जीरो, अर्थात मासलेस घिरनी है, द्रव्यमान रहित घिरनी है और द्रव्यमान रहित रस्सी है। इस रस्सी के एक तरफ एक कोई वजन लटका दिया, कोई भार लटका दिया गया, और दूसरी तरफ उसे खींचना है। आप इसको ये मान लीजिए किसी भी वेल से, ग्राउंड वेल से, किसी ज़मीनी कुएं से पानी निकाल रहे हैं, यूँ मान सकते हैं। अब देखिए कि जो मास लटकाया गया है उस पर कौन कौन से बल लगेंगे, और आप जो बल लगा रहे हैं, जो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वह बल किस प्रकार से इसके द्रव्यमान के कारण से लगने वाले बल और तनाव को संतुलित करता है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए, जब आप बल लगाएंगे F तो खींचेंगे तो बल की डायरेक्शन सपोज नीचे की तरफ, तो जब इसको खींचेंगे तो इस खींचने के कारण से यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है, तो वह त्वरण कितना होगा, डाउनवर्ड होगा। और जैसे आप इसको खींचेंगे F को, बल लगाएंगे नीचे की तरफ, F का F बल लगाएंगे, तब इस द्रव्यमान में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ त्वरण होगा। चूंकि जब यह ऊपर की ओर गति करेगा, त्वरण ऊपर की ओर होगा, तो इसमें गुरुत्वीय भार है वो नीचे की तरफ है, वह डाउनवर्ड होगा। और यह रस्सी इस पॉइंट पर बंधी हुई है, और जिस बिंदु पर कोई भी जो कोड है या रस्सी बंधी होती है उसके विपरीत दिशा में तनाव लगता है, तो तनाव की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी। तो देखिए, यहाँ पर तीन प्रकार के बल हैं, एफ जी नीचे की तरफ, एफ ऊपर की तरफ, और तनाव भी ऊपर की तरफ। तो आप चाहें तो इसको एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, ऊपर की तरफ वाले बल और नीचे की तरफ वाले बल, तो एफ प्लस टी बराबर एम जी। एफ क्या है, एफ है एम ए प्लस टी बराबर एम जी, तो तनाव कितना है, एम जी माइनस का एम ए, तो एम जी माइनस ए, यह हो गया तनाव रस्सी में। तो देखिए, ठीक ऐसा ही अपन यहाँ पर डिस्कस भी किया है कि एफ बराबर एम ए है, तो यह एम ए जो बल है त्वरण के कारण से जो गति होगी वह एम जी माइनस टी होगा, टी बराबर एम जी माइनस ए हो जाएगा, टी बराबर एम ब्रैकेट जी माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो अंतिम वेग है, अगर वह प्रारंभिक वेग से ज़्यादा है, आप ही मानिए अपन वेग गति करवाते हैं, तो अंतिम वेग है वह प्रारंभिक वेग से ज़्यादा है, तो जो त्वरण है वो धनात्मक होगा, अर्थात पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो यह गति ऊपर की तरफ करेगा, और जब ऊपर की तरफ करेगा तब क्या होगा, तनाव है उस रस्सी में, तनाव है वह गुरुत्वीय बल की तुलना में कम होगा, और इसका मतलब यह है कि जो वेग है वो बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है,
अगर तनाव कम है और गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है और त्वरण है वह बढ़ रहा है, तो देखिए क्योंकि त्वरण अगर बढ़ रहा है पॉजिटिव है तो उसके रेस्पेक्ट में वेग भी अंतिम वेग बढ़ रहा है। अगर अंतिम वेग है वह प्रारंभिक वेग की तुलना में कम है तो त्वरण घट रहा है, त्वरण डी एक्सीलरेशन है, तब तनाव है वो रस्सी में गुरुत्वाकर्षण की तुलना में ज़्यादा होगा। आप भी मान सकते हैं अगर इसका धीरे धीरे बल को बढ़ाते जाएंगे, वेग बढ़ता जाएगा, तो वेग बढ़ता जाएगा तो ये पिंड ऊपर की तरफ खींचता जाएगा, पिंड ऊपर की तरफ खींचता जाएगा बढ़ते हुए वेग के सापेक्ष, तो इसमें तनाव है वो कम होता रहेगा वेग बढ़ने के साथ और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बढ़ता रहेगा। लेकिन विपरीत है, अगर वेग जो जिस वेग से खींच रहे थे उस वेग से धीरे धीरे घटाते जाएंगे तो त्वरण है वो है भी कम होता रहेगा, त्वरण में कमी आती जाएगी, त्वरण में कमी आती जाएगी तो इस रस्सी पर तनाव बढ़ता जाएगा। ओके ठीक है, तो इस बात के लिए खास तौर पर ध्यान रखें जो कि अपने डिस्कस कर लिया, ये तो कि स्टैटिक है जो स्थैतिक घर्षण है वह म्यू एस एन हमेशा ऐसा ही रहता है, जो अपन बोलते हैं कि एफ एस है वह म्यू एस एन, ये कंडीशन लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एफ एस है वह म्यू एस एन रहता है, कम रहता है, तब वह पिंड है वो गति अवस्था में नहीं होता है, और जैसे बराबर आ जाता है ये पिंड एफ एस बराबर म्यू एस एन होता है, जिसका मतलब ये जो पिंड है वह अब स्लाइड के रूप में होता है, पिंड स्लाइडिंग करता रहता है। अभी अपन बात करेंगे टू ब्लॉक ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, टू ब्लॉक ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, इसका मतलब यह है कि कोई भी एक नत तल है, नत तल है किसी कोण पर झुका हुआ और उसके ऊपर दो ब्लॉक रखे गए हैं, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और वह थीटा डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसका फ्लूइड डायग्राम अगर अपन को किसी भी बल सिस्टम के लिए, बल निकाय के लिए फ्लूइड डायग्राम पता है तो उस निकाय के बलों का संतुलन करके अपन त्वरण वेग बल घर्षण सब ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको देखिए कि यह ब्लॉक बी है, बड़ा है और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक और रखा गया है ए, तो बी ब्लॉक है वह इस सतह और ए के बीच के अंदर है, तो इस पर दो प्रकार के घर्षण लगेंगे, एक तो इस सतह के कारण से, इस ए के कारण से। ए है उस पर केवल जो घर्षण होगा वह बी और ए के बीच वाली सतह के बीच में होगा, तो इसके दो फ्लूइड डायग्राम बनेंगे, पहला ब्लॉक ए के लिए, दूसरा ब्लॉक बी के लिए। तो सबसे पहले ब्लॉक ए के लिए, जब यह गति करता तब की बात है, ऊपर की तरफ गति कर रहा है सपोजिए, तो ब्लॉक ए है उसके लिए देखिए फ्लूइड डायग्राम, उसका जो मास है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, जिसको अपन भार बोलते हैं डब्ल्यू, ए नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा डिग्री पर है इसलिए थीटा, क्योंकि एक तो 90 डिग्री कोण पर होगा और इसकी डायरेक्शन है वो थीटा डिग्री पर झुकी होगी नॉर्मल की। अब इस मास के विपरीत दिशा में एक नॉर्मल फोर्स भी होगा, वह हमेशा इस सतह के 90 डिग्री पर होगा, ऐसे तो इस सतह के 90 डिग्री पर है, उसका नाम दिया है एन बी ए। एन बी ए क्या है, नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय बी ऑन ए, मतलब प्रतिक्रिया बल है वह बी के द्वारा ए पर लगाया जाता है, वो वाला बल। तनाव की डायरेक्शन होगी ये वाली, क्योंकि तनाव और फ्रिक्शन है, अब देखिए ये गति ऊपर की तरफ करता है तो फ्रिक्शन फोर्स है जिसको एफ बी ए, एफ बी ए का मतलब है ए के ऊपर और जो फ्रिक्शन फोर्स है बी के द्वारा लगाया जाता है वो वाला, तो तनाव विपरीत दिशा में होगा, ये हो गया डायरेक्शन एफ बी टी डायरेक्शन ए के लिए। अब बी के लिए सेम करेंगे तो देखिए बी के लिए डायरेक्शन अलग प्रकार की होगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान तो नीचे की तरफ ही होगा, द्रव्यमान भार तो वह नीचे की तरफ है, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर दो प्रकार के नॉर्मल फोर्स लगेंगे, एक नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड होगा एन ए बी, क्योंकि ए के द्वारा बी पर लगाया गया है वह वाला नॉर्मल फोर्स, लेकिन बी पर सतह के द्वारा लगाया गया है वह ऊपर की तरफ होगा, इस बी पर सतह के द्वारा, एक तो इसके द्वारा लगाया जाएगा इसके द्वारा, तो ये ए वाला नीचे की तरफ होगा और बी वाला ऊपर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, और पिंड है उस पर घर्षण बल है वह एफ ए बी होगा। ध्यान रखिए इसमें जो गति है ए की गति की, अगर मैं बी की गति बताऊँ तो बी नीचे की तरफ, अगर बी नीचे की तरफ गति कर रहा है तो ए ऊपर की तरफ करेगा बैलेंस करने के लिए, तो बी नीचे की तरफ गति कर रहा है तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ ए बी है वह ए के कारण से बी पर घर्षण बल, और एफ बी है वह सतह के कारण से बी पर घर्षण बल, तो चूंकि ये नीचे की तरफ गति कर रहा है तो इसे घर्षण बल एक तो ये हो जाएगा, और एफ है वह भी गति कर रहा है तो ए के कारण से बी पर लगने वाला बल है वो भी इस तरफ ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान रखिए। ठीक ऐसे ही एक दो द्रव्यमान किसी टेबल पर रखे गए हैं, गिरने के सारे एक स्थिर अवस्था में गति अवस्था में,
तो इस पर लगने वाला बल है वह एम जी डाउनवर्ड, इसके ऑपोजिट दिशा में एन हो जाएगा, क्योंकि यह इस एक्स दिशा में गति करता है तो इस पर फ्रैक्शन फोर्स लगेगा विपरीत दिशा में, और तनाव होगा विपरीत दिशा में इसके अर्थात बल की दिशा में। तो तनाव है इसको फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, एम जी है वो नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करेगा, और दूसरे पिंड के लिए भार नीचे की तरफ लगेगा लेकिन तनाव ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पर देखिए टी दोनों बराबर ही है और त्वरण है ए वन ए टू, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, लेकिन ए वन और ए टू दोनों बराबर ही हैं क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना ही ये आगे की तरफ खिसकता रहेगा। तो ठीक, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। आप इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं जिनकी प्रैक्टिस कीजिए, और आज है भारत का संविधान दिवस, आप लोगों को भारतीय संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ध्यान रखिए, ओके, थैंक यू।